मुंह पे बोल रही हूँ। बहुत गंदा तूफान आ रहा है, नीचे नहीं आ रहे। दीदी क्या पूरा प्रेशर एक ही साइड पड़ रहा है ना, सब निकल गया। ऐसी चीजें जो शरीर को लड़ जाती है। ये हालत हो रही है हमारी बालकनी की। आयान को छोड़ दिया है सपना दीदी के भरोसे। तो दीदी आज लाएंगे घर में अखंड जो। घर के काम की वजह से ना बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता। अब मेरी नींद खोलने के बाद बोल रही है तू सो जा। नमस्कार गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और भैया रात की आजकल तो हमारा टाइमिंग नहीं रहता है व्लॉग व्लॉग का। रात के बज गए नियर अबाउट 12 और जैद की तबीयत थोड़ी सी खराब है और गोलू और पायल ने भैया यहाँ पे बिस्तर लगा लिया है, यहीं आजकल वो सो रही हैं। क्यों सो रही हैं वो खुद बताइए। क्योंकि ना गाइस यहाँ पे ना बहुत कंफर्टेबल रहता है। होता क्या है, हम ना रूम में एसी चलाते हैं तो टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाता है कि बार बार एसी ऑफ ऑन करना पड़ता है। पर ये खुला एरिया है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या ठंडी लगती है और बच्चे भी सेफ। हमें अच्छी नींद आई थी कल बहुत। बेटा लात मार के तेल मत गिरा दियो। चीकू कह रही हूँ बच्चों के, जैसे कि आपको पता 11:40 तो 12 बजे से पहले मैं बच्चों को एक बार मालिश वालिश करके सुलाना चाहती हूँ। तो मैंने सबके कपड़े निकाल दिए हैं। ये पहनेगा आयान क्योंकि आयान को डायपर लगा रही हूँ। जैद को डायपर नहीं लग रहा तो जैद नया ड्रेस तो पहन रहा है पर नीचे का पजामा नहीं पहन रहा। वो उसको हम नैपी पहनाएंगे। नैपी कहते भाई ये लगा लो लंगोट। और ये पहनेगी हमारी तुबा और इसके अंदर तुबा। तो जैद है ना उसकी जो तबीयत है थोड़ी सी खराब चल रही, क्योंकि क्या हो रहा है लूज मोशन की वजह से ना उसको काफी ज्यादा रैशेज हो चुके हैं और रैशेज की वजह से वो इतना ज्यादा चिड़चिड़ा हो चुका है क्योंकि अगर हमें भी होंगे ना रैशेस हम भी चिड़चिड़ी हो जाएंगे। तो बच्चे तो देखो रो ही सकते हैं और रोने से हमें पता लगाना चाहिए कि बच्चे किस बात के लिए रो रहे हैं। तो उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है क्योंकि फीड भी करा लिया, सब कुछ करा लिया, उसके बावजूद भी रो रहा है। तो कल तक का वेट कर रही हूँ, कल और एक दिन बाद का वेट करती हूँ। अगर ये नहीं ठीक होता ना तो फिर मैं जाऊंगी कहीं और इसको लेकर और जाकर इसका दोबारा से टेस्ट और हर चीज करवाती हूँ। गाइस अभी बज गए रात की 1 और बहुत तेज तूफान आ रहा है। फटाफट लक्ष्य भागिए बाहर कपड़े उठाने के लिए क्योंकि हम लोगों ने कपड़े सुखा दिए थे, उठाए नहीं थे। बच्चों के कपड़े तो रख दिए थे अंदर बट हमारे कपड़े थे तो फटाफट सारे के सारे कपड़े निकाल दिए। तो गाइस अभी ना जैद को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। जैद को मैंने दवाई भी दे दी है जो उसकी टफ प्रो है वो भी दे दी है, साथ ही साथ इसको फीड भी करा दिया है, पर इसको नींद नहीं आ रही। तो मैंने क्या करा है इसके लिए ना कोको मेलन के पोएम चलाई हुई है तो वो सुन रहा है और साथ में डांस कर रहा है। तो गाइस आपको यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं दिख रहा होगा। ये लक्ष्य बैठी, लक्ष्य अपने फोन पे मुंह पे फोन मार रही हो, मुंह पे फोन मार रही हो। ये लक्ष्य बैठी है, मुंह पे मार लाइट। ये गोलू बैठी है, ये तुबा और ये मैं बैठी हूँ। गाइस तो यहाँ पे ना लाइट जा चुकी है क्योंकि तूफान आ रहा था ना, तूफान की वजह से हमारी लाइट चली गई है। और हमारा जो जैद है ना वो नहीं सो रहा है और जैद की वजह से दुबा भी उड़ गई है, पर आयान जो है भी सो रहा है। पर जैद यार जो भी है, जैद इंग्लिश पोएम सुनता है। ये बात तो है, वैसे उसकी मम्मियों को नहीं आती इंग्लिश पर जैद को इंग्लिश जरूर आएगी। तो गाइस बहुत 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 गंदा तूफान आ रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। हम लोग गाइस ऊपर गए थे, इन्होंने नीचे भेज दिया। बहुत 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 गंदा तूफान आ रहा है, पूरी जिम हिल रही है पूरी। और इतनी टेंशन हो रही है क्योंकि ऊपर ना कांच ऊपर कांच है, इतने बारिश जा रहे हैं। जब कुछ भी हो गया ना मुश्किल हो जाओगे। सही बात है दीदी, देखो ना ऊपर कांच कांच है। मैंने इनको बोला आप नीचे चलो, जो होएगा नुकसान होने दो, नीचे आ जाओ। और क्या, नीचे नहीं आ रहे। तो गाइस इतनी तेज तूफान आ रहा था, इतनी तेज आ रहा था ना कि हम लोग ना फिर दोबारा ऊपर चले गए क्योंकि अरमान जी को बार बार फोन कर रहे हैं, वो बार बार मेरा और पायल का फोन कट कर रहे हैं। उन्होंने हमें धक्के से नीचे भेज दिया बट मैंने और पायल ने बोला कोई बात नहीं, जितनी मर्जी डांट खाए हम ऊपर जाएंगे। फिर हम फटाफट भाग के ऊपर गए और अब थोड़ा सा तूफान कम हुआ है क्योंकि ना सपना दीदी ने जीन माता की अर्जी लगाई थी भगवान से। बहुत देर तक दीदी ने प्रे किया और कालू भैया भी निकल चुके हैं घर से। कालू भैया हंसी जा रहे हैं और रास्ते में इतनी तेज तूफान आ रहा है। यार पार यार नुकसान तो बहुत हो गया, इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तू बता कुछ हो सकता है क्या। कालू भैया पहुंच गए, पहुंच गए दीदी कालू भैया। चलो शुक्र हो बस टाइम से पहुंच गए दीदी, हैं बस अब शांति होगी क्योंकि बंदा दीदी पर होना तो टेंशन नहीं रहती इतनी, बट बाहर होना ज्यादा रहती है। हाँ सारे हम ना सारे इस तरह हाथ लगाए खड़े, आपका शीशे गिर ना जाओ तुम तो देख के। हाँ दीदी क्या पूरा प्रेशर एक ही साइड पड़ रहा है ना सारा। हम सारे के सारे ना कैमरे में बैठ के देख रहे हैं। तन्नू देखो क्या लगा था, पहले हेलीकॉप्टर चल रहा है। तन्नू ही तो उठ के आई थी, ऐसे ऐसे आई थी उठ के, उसको लगा, मैंने बोला क्या हुआ, कह रही इसको लगा कि एरोप्लेन उड़ के। यार बच्चा नींद में, उसको क्या पता लगा। मुझे लगा कि मैं ऐसे नींद में, मेरे बहुत बार होते सपने ऐसे आ जाते हैं, कई बार तो ऐसे जाते हैं आवाज निकालने की कोशिश करते आवाज। हाँ, मुझे लगा ऐसे ही हो रहा था। फिर कई देर तक हुआ ना बाहर अयान और जैद की रोने की आवाज आई, जब मैं उठ के आई फिर मैंने देखा इतनी तेज भूख लगने लगे क्योंकि मैंने और पायल ने दाल रोटी खाई थी और रोटी कम दाल ज्यादा पी थी तो दाल से पेट नहीं भरता। तो अभी पायल मेरे लिए और अपने लिए दलिया बना रही है क्योंकि दलिया हेल्दी भी रहता है और जल्दी बन जाएगा। आज दलिया रखा हुआ है ना बाबू, दलिया एक बार उसमें देख के अलमारी में, यहाँ तो है नहीं। मुझे भी ऐसे शक हुआ कि दलिया नहीं है, पता नहीं क्यों इतना सा है। अभी तो इसको मत डालना, मैं दलिया चेक करके आ रही हूँ, फिर कच्चा पक्का ना हो जाए। एक बंद कर देगा ऐसे, सिम कर दे, आ रही हूँ मैं देख लिया। मिला क्या गोलू, कुछ और मांगा तो अभी मिल जाता पूरा दलिया का पैकेट। दलिया मिल गया शुक्र, एक ही पैकेट था। हाँ तो कोई नहीं, अभी कल चलेंगे राशन लेके आएंगे। ठीक है यार, मेरे को लगा था जल्दी उबल जाएगा, मैं तो कोई हाथ छोड़ के गई थी। तो गाइस देखो ये क्या हो गया, दिस इज नॉट हैपनिंग।
हमारे घर में क्या क्या होता है तो समझ नहीं आता। जैसे पायल की भी गलती नहीं है, पायल को लगा कि ये जल्दी नहीं उबलेगा, बहुत जल्दी उबल गया और मैं बाहर चली गई, मैं कुछ बात करने के लिए बाहर चली गई थी, सारा तो सारा नहीं सब निकल गया। तो गाइस अभी जो बच चुके हैं टाइम दिखा देती हूँ मैं आपको, टाइम हो गया 3:57 और जो है तूबा ना, तूबा जो है अभी तक सो नहीं रही है। आज अयान सो गया, जैद भी सो गया, पर तूबा जो है ना देख लो आप, ये तूबा जैद हो रहा अयान ये रहा, पर वो रो तो नहीं रहा, ये तो रो रही है, परेशान हो गया यार। यार मेरे को समझ नहीं आ रहा 3:57 हो गए बोलो। मैं ना एक सेकंड बेटा, गाइस से तो बात करें थोड़ी सी, आप समझ नहीं पा रहे मतलब कि ना क्या हो रहा है, बोल नहीं पा रहे। ये देखो वासी आ रही है, सोने का नींद का इतना मतलब वो हो रहा है, रात के 4 बज गए, आंख नहीं खुल रही, आंख चिपकी हुई है और बच्चे सो नहीं रहे, समझ नहीं आ रहा। पायल मुझे लगता है मैं 6 महीने लगा ले नींद पूरी नहीं होगी, 8 महीने। एक तो एसी भी काम नहीं कर रहा, इतनी पता नहीं यार इतनी गर्मी हो रही है, कहीं समझ नहीं आ रहा। एसी अच्छा भला वर्क कर रहा था, पता नहीं एसी को क्या हो गया, चल नहीं रहा। और आज तो ना ये दोनों बच्चों ने ना सुबह और वहाँ पे जैद, यार बेटा यार माफ कर दो ना, हमने क्या गलती कर दी। हाँ क्या हुआ, किस बात का गुस्सा इतनी देर से, मैं को पहले पता नहीं चल रहा था गाइस, इसने ना वो कर रखा था, मोशन कर रखा था, मुझे पता नहीं चल रहा था कि सो नहीं रही। अभी चेक किया तो मोशन था, मैंने क्लीन कर दिया, पूरा साफ कर दिया, लेकिन ये लड़की अब भी नहीं सो रही है। अब मुझे इसका ट्रिक समझ में नहीं आ रहा है, अभी क्यों नहीं सो रही है, मुझे लग रहा है इसे लग रही है भूख पायल। तो गाइस हम एक काम करते हैं, हम इसी रूम में सो जाते हैं गोलू, मैं सारे कपड़े उठा देती हूँ, ठीक है, ये सारे कपड़े उठा के वहाँ रखती हूँ, क्योंकि मुझे ना वहाँ पे एक कीड़ा सा काटा है और मुझे ना बच्चों के साथ डर लग रहा है। गाइस बच्चों के साथ डर लग रहा है क्योंकि बच्चों के कान वान में कुछ कीड़ा वीड़ा ना घुस जाए, इसलिए मैं गोलू को बोल रही हूँ यही सोते हैं। मैं कहती हूँ अगर यहाँ के सारे कपड़े वहाँ रख देती, मैं रखती हूँ मैं वो सब रखती हूँ। क्या हो गया, एसी नहीं चल रहा, एसी नहीं चल रहा यार, क्या हो गया। जो तो गाइस सुबह के बज गए 7:30 और मैं पल 4:30 के करीब सोई थी, जब चीकू को स्कूल भेजने का टाइम हो गया और सच में इतनी तेज में मेरा हेडेक हो रहा है, और आज वाला जो हेडेक है ना वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पीछे से आगे की तरफ जा रहा है। और सपना दीप किचन में है, चीकू का लंच बना रहे हैं, सारे के सारे ना सब लोग ना यहाँ से उठ चुके हैं। पाल को ऐसा लग रहा है कि ना इस पे ना कोई चीटी या कुछ ना ऐसी चीज है जो शरीर को लड़ जाती है। 4:30 बजे जब हम लेटे थे ना तो पायल बार बार बोल रही थी गोलू मुझे ऐसा लग रहा है कि ना कुछ यहाँ पे है, पर फिर हम लोग चेंज वेंज हमने नहीं किया, हम लोग क्योंकि नींद आ रही थी, बहुत तेज नींद आ रही, हम लोग ऐसे कैसे सो गए। अब मुझे इतनी ज्यादा नींद आई 2 घंटे, मुझे कुछ नहीं पता चला क्या शरीर पे लड़ा है क्या नहीं लड़ा, लेटते ही नींद आ गई। और ना किसी भी रूम का ना एसी नहीं चल रहा है, तो मुझे लग रहा है रात से लाइट नहीं है। रात को मैं 2-3 बार ना माइक्रोवेव भी चेक करनी है ना, माइक्रोवेव चल रहा था और बाहर वाला एसी चल रहा था, फिर पायल ने बोला क्या पता इसकी वजह से ना सबकी लाइट चली जाए, फिर मैंने एसी बंद कर दिया। तो गाइस आज तक ना इतनी नींद कभी नहीं आई, मतलब कि ऐसा लग रहा है जैसे कुछ है ही नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा शरीर के अंदर, इतनी नींद आ रही है, इतनी नींद आ रही है ना। तो यहाँ पे ना जो गद्दा है ना वो उठवा रही हूँ मैं, क्योंकि बाहर ना बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज्यादा सफोकेशन हो रही है। तो हम गाइस हमने ना इलेक्ट्रिसिटी वाले को बुलाया सोसाइटी से कि रात को जो तूफान गया था ना उसकी वजह से मुझे लग रहा है कोई MC का ऐसा कुछ नीचे है, पर नीचे हो गई, नीचे से हो रहा है रात से एसी, यहाँ से मैंने उठा के देखा यहाँ पे कुछ नहीं, वो नीचे से करेंगे। हाँ ठीक है लगा दो फटाफट इसको। तो गाइस यहाँ पे मेरे तीनों बच्चे तो यहाँ पे जाग गए हैं, अयान तूबा और चीकू। जो जैद है ना, जैद को बड़ी मुश्किल से दोबारा से सुलाया है, अभी इन दोनों को फीड करा देती हूँ। रात भर जो नींद है ना, नींद पूरी नहीं हुई, आपको दिखाया था 4 बजे तो हम सोए हैं, 4:15 हुए थे, 4:30 सोए हम, और ऊपर से ना घर में ना एसी माइक्रोवेव सब नहीं चल रहे थे, पंखे चल रहे थे, तो घर में पूरी रात इतनी गर्मी रही। अभी जो है ना ये खिड़की मतलब ये पूरा गेट खुला है, जाली रखी है, तो अभी बहुत अच्छी हवा आ रही है, तो बच्चों को ठीक लग रहा है यहाँ पे। बच्चे यहाँ पे गोलू कंगी करे, गोलू ने पूरा रेडी कर दिया और मैंने नहला दिया चीकू को। गाइस मैं आपको दिखाती हूँ कल यहाँ पे तूफान के बाद बारिश भी आई है, तूफान से हमारे जो शुरू है ना वो पूरा गिरा पड़ा है, और देख गोलू छुरक में पानी देख, हाँ ये पानी रात को बारिश नहीं भरा पड़ा है। तो गाइस चीकू फाइनली जा चुका है स्कूल, और थोड़ी तसल्ली पड़ी हमें कि वो स्कूल चला गया, क्योंकि बच्चे का ना स्कूल मिस नहीं होना चाहिए। उसकी मैम वैसे भी बोल रही थी कि आप लोग ना बहुत स्कूल मिस कराते हो, स्कूल मिस मत कराना, तो हमने जैसे तैसे उसको स्कूल भेज दिया। तो गाइस रात को इतनी तेज बारिश आ रही ना, उसकी वजह से इतना नुकसान हो गया, ये जो हमारा शू स्टैंड है ना ये वाला भी गिरा हुआ था, तो ये वापस खड़ा करा। साथ ही साथ ना कल रात को क्या हुआ था, इस मैट पे हमने गद्दा बिछाया था ब्राउन वाले पे ना, तो मेरे से ना पैर लग गया था और पानी की बॉटल ना नीचे गिर गई थी, और बॉटल ऐसे बंद थी पर थोड़ा थोड़ा पानी ना टपक गया, तो उसकी वजह से ये भी गीला हो गया और बाहर भी गीली हो गई। तो ये हालत हो रही है हमारी बालकनी की, इतना गंदा हो रहा है। आज तो ना पूरी साफ सफाई अच्छे से करनी पड़ेगी, पर अभी कुछ नहीं करेंगे, जो भी करेंगे बाद में करेंगे, अभी पहले नींद पूरी करेंगे अपनी 3-4 घंटे की, उसके बाद काम करेंगे, नहीं तो ना क्या बॉडी में जान नहीं बचेगी, कोई काम नहीं होगा। तो गाइस सुबह के बज रहे हैं 9:30 और यहाँ पे जैद और आयान सो गया है, पर तूबा जो है ना क्योंकि उसका डायपर वगैरह निकाल दिया था आयान और तूबा दोनों का, तो बार बार सुसु कर रही है, तो इसलिए डिस्टर्ब हो रही है, तो गोलू लेके बैठी है अभी, देखो उसकी आवाज देखो, तो गोलू लेके बैठी है उसे। बस अब हम जा रहे हैं सोने, तो गाइस उठते हैं और फिर
दोबारा से मिलते हैं आपको। तो गाइस सारी बातें छोड़ो, एक कमेंट पढ़ने जा रही हूँ जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, तो कमेंट सुन लो और उनको बहुत ही प्यारा आंसर भी देना चाहती हूँ। कमेंट है @AnjaliGupta5745 का, कृष्णा और काशवी आयान और तूबा के नाम रख सकते हो। तो थैंक यू सो मच अंजलि जी, हमने आयान का जो नाम है वो कृष्णा तो रख दिया है, वो फाइनल हो गया है। तूबा का जो है काशवी, वो इसके पापा से पूछूंगी और नेक्स्ट व्लॉग में जरूर आपको जवाब दूंगी अंजलि गुप्ता जी कि मैंने तूबा का नाम क्या रखा है। आयान को छोड़ दिया है सपना दीदी के भरोसे। तो गाइस सोने से पहले मैं अपने नेल्स कट कर रही हूँ क्योंकि मेरे नेल्स ना बहुत तीखे हैं, आयान को एक दो बार लग चुके हैं, तो मैं नहीं चाहती मेरी वजह से चोट लग जाए, इसलिए मैं नेल्स कट करके ऑयल लगा के सर में फिर सोऊंगी। तो गाइस मैंने यहाँ पे बनाई है अपने लिए कच्ची लस्सी, हल्का सा दूध और बाकी पानी, क्योंकि यहाँ पे पूरा जलन जलन हो रहा है और नींद बिल्कुल नहीं आ रही क्योंकि घर में लाइट बिल्कुल नहीं है। पूरी सोसाइटी में आधे घंटे के लिए पूरा पावर बैकअप जो है वो बंद कर दिया गया है टेक्निकल इश्यू की वजह से। तो जब तक नींद नहीं आएगी ना गाइस, मुझे तो नींद नहीं आएगी, गोलू और बच्चे सारे सो गए हैं, सपना दीदी को भी नींद नहीं आ रही क्योंकि उनको भी मैं इतना गर्मी में नींद नहीं आती। गाइस अभी बज रहे हैं दोपहर के 4, शाम के 4, 5, शाम के 5 बज रहे हैं। बच्चे जो है अभी थोड़ी देर पहले मतलब 2 बजे के करीब सोए हैं बच्चे, तो अभी वो रिलैक्स कर रहे हैं तो हम भी रिलैक्स हो गए हैं। अब मैं जा रही हूँ शावर लेने, पहले बच्चों के जो कपड़े हैं ना रात वाले, आज सुबह वाली नैनी नहीं आई है, उनके यहाँ कुछ मिस हैपनिंग हो गई है तो वो नहीं आई है, तो सुबह वाले बच्चों के कपड़े धोने हैं, उसके बाद जो है वो नहाना धोना होगा, तो पहले कपड़े धो लेती हूँ फिर नहाती हूँ। यहाँ पे जो है सपना दीदी ने पोछा लगा दिया है, झाड़ू लगा दिया है। हमारे साथ तो कभी तो कुछ होता, कभी तो शांति नहीं आती, कभी रोली नहीं आती, राज वो नहीं आई, दीदी आज दीदी नहीं आई, तो हमारे साथ ना काम हो रहा है शाम के 5 बज चुके हैं, ये सोच लो। दीदी कल आंधी तूफान भी तो आया ना पूरे घर में गाइस इतनी मिट्टी धूल थी ना, मैं बता नहीं सकती। तो गाइस एक और कमेंट पढ़ने जा रही हूँ, बहुत ही बढ़िया, वो है @Swire3320 का। अगर आप सैमसल मतलब सरसों लिखना चाहते हैं, सरसों का ऑयल में पानी मिला के लगाएं बच्चे के हिप्स में तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ना ही होते और जल्दी आराम आ जाता है रैशेज में, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये हमारे बचपन में हमारे माँ बाप भी करते थे, पर क्या है ना कि जो जैद के साथ जो दिक्कत हो रही है वो बहुत सीवियर है, उसको कट्स आ गए हैं, मतलब वहाँ से ब्लीडिंग भी हो रही है, तो वहाँ पे सरसों का तेल लगाने से चिरमराहट मच रही है, तो अभी हम वो नहीं कर सकते। थैंक यू आपने हमें इस चीज का एक रिप्लाई भी दिया, तो अगली बार बच्चों को भी रैशेज होंगे तो हम वो ट्राई करेंगे, पर अभी तो नहीं कर सकते। तो कल भी दीदी ने पूरा सर से पोछा मार के घर को पूरा चमकाया था, आज फिर से सर से पोछा मारा है और घर पूरा चमकाया है, मंदिर भी चमकाया है। दीदी आज आप अखंड जोत जलाओगे ना, तो दीदी आज जलाएगी घर में अखंड जोत। एक सेकंड गाइस, एक कमेंट और बताती हूँ, @SushilaSaini का, वो लिख रही है दीप बच्चे को अकेला मत छोड़ा करो, अकेले छोड़ने से बच्चे डर जाते हैं, हमारे यहाँ 6 महीने तक अकेला नहीं छोड़ते। तो गाइस ये जो है बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा सुशीला जी, और काफी टाइम से अब हम बच्चों को अकेला नहीं छोड़ रहे, जब भी बच्चा अकेला होता है कमरे में तो वहाँ पे हम या तो सपना दीदी या तन्नू या फिर कोई भी बंदा एक बंदा बैठा देते हैं कि तुम बच्चों के पास बैठो, अगर हमें कोई काम होता है बाहर कमरे से बाहर जाना पड़ता है, कोई काम करना पड़ता है तो हम बैठा के ही करते। तो गाइस बज गए शाम के 6 और सुबह से अब टाइम मिला शावर लेने का, बस शावर लिया फटाफट, आजकल तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता रेडी होने का, मैंने सोचा था एक काम करूंगी आज हेड वॉश करूंगी पर टाइम ही नहीं मिला, आज एक काम करती हूँ ऑयल लगाती हूँ फिर हेड वॉश करती हूँ। तीनों बच्चे हमारे सो गए हैं, आयान तूबा जैद तीनों आराम से सो गए हैं और हम कितनी कोशिश करते हैं कि ना सो जाए उनके साथ रेस्ट कर ले, घर के काम की वजह से ना बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता। तो बच्चों के जो कपड़े थे ना वो भी साथ साथ निकाल दिए क्योंकि ना अच्छा नहीं लगता बच्चों के लिए कपड़े रखने, तो पायल जब शावर ली थी पायल ने निकाल दिए थे कपड़े, अब मैंने शावर लिया तो मैंने कपड़े निकाल दिए, जो बच जाएंगे ना वो रात को निकाल देंगे। तो यहाँ पर ना चीकू के पापा को ना ऑमलेट रेडी हो गया और बिल्कुल भी ना फ्रूट्स नहीं है, पाले भी फोन पे फ्रूट्स मंगवा रही है, सिर्फ वाटरमेलन रखा हुआ है, और साथ ही साथ ना खाने में क्या बन रहा है दिखाती हूँ। तो आज ना खाने में बिल्कुल सिंपल चीज बन रही है, दाल और साथ में चावल बन रहे हैं क्योंकि मैं और पाल तो आपको पता है एज यूजुअल दाल ही खाते हैं। आज पता नहीं खिचड़ी बनी थी पर मेरा खिचड़ी खाने का मन ही नहीं किया, शांति रखी ने मेरी खिचड़ी, पता नहीं मेरा खिचड़ी खाने का मन ही नहीं कर रहा, और वैसे मुझे इतनी पसंद है खिचड़ी फिर, पर मैंने फिर थोड़ा सा दलिया खाया पाल के साथ। तो गाइस ये काम छोड़ देती हूं, आपको एक और कमेंट पढ़ के बताती हूं जो मुझे बहुत अच्छा लगा है। कमेंट है @Jasbarar8469 का, @Kitty का मलिक बेबी वैसलीन लगाओ जैद के बार बार, बिल्कुल भी रैशेज नहीं होगा, माय डॉटर इज ईयर एंड हाफ मतलब 1.5 साल की है, वी आर इन कैनेडा एंड शी वेयर्स डायपर 24/7 बट नेवर हार्ड रैश बेबी, वैसलीन इज द बेस्ट फॉर बेबीज फॉर कट एंड रैशेज। तो जसबरार जी थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यारा कमेंट लिखा है और बिल्कुल आपकी बेटी 1.5 साल की है लेकिन हमारा जो जैद है ना वो अभी 1 महीने का है, तो 1 महीने के बच्चे में और 1.5 साल के बच्चे में बहुत डिफरेंस हो जाता है, बाकी आप मदर हैं आपको पता है ज्यादा अच्छा। वैसलीन पेट्रोलियम लगाना है या वैसलीन जेली लगाना है ये अगली बार आप हमें कमेंट करके जरूर बताना, तो हम इसको ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच इतने प्यारे कमेंट के लिए। दलिया भी बना दी है। अच्छा दलिया बनाया है,
ठीक है। अरे मैंने चावल को दलिया बोल दिया, मेरे को लगा इसमें चावल रखी हुई है, पर गाइस ये तो दलिया है, चावल नहीं है। तो गाइस मेरा ना इतनी तेज हेडेक हो रहा है, इतनी तेज हेडेक हो रहा है ना, क्योंकि मेरी बिल्कुल भी नींद पूरी नहीं हुई है। पायल का ठीक है, अपनी नींद पूरी कर लेती है और मेरी नींद रह जाती है। पिछले एक घंटे से बोल रही हूँ कि मेरे को नींद आ रही है, पायल नींद आ रही, तू देख ले, पर नहीं। पायल हाँ भाई, तेरी नींद पूरी हो गई? डेढ़ घंटा सोई हूँ मैं, एक मिनट भी नहीं सोई हूँ, एक सेकंड भी नहीं सोई हूँ, एक सेकंड भी। तू अभी सो जाओ, मैं जग रही हूँ। तो तू बात सो रही इतना है, जब मेरी नींद का टाइम, मैं तो चुपचाप बात कर रही हूँ, ये असरा है दांत फाड़ के। मैं क्या मजा बताऊँ? तो गाइस मेरी नींद का टाइम होता ना, इतना शोर मजा रखा, ये लड़की सो रही थी, मैं पिछले डेढ़ घंटे इसने अपनी नींद पूरी करी है, मैं कभी इधर भाग रही हूँ कभी उधर भाग रही हूँ, क्योंकि जैद उठ गया था। पर पायल तेरे को वो नहीं है, तू एक काम कर, तू सो जा। अब क्या सो जाऊं यार? सुनो बचपन की कहानियां सुना रहे थे अपने, मुझे अभी मैं कौन नहीं सुना रहे थे भाभी अभी जोर में बोल कौन यार, इन लोगों को, इतने लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं है, बिल्कुल भी। पायल नितिन भाई चलो आपको तो नहीं पता मैं कितना सोती हूँ, तुझे तो शर्म करनी चाहिए पायल, तुझे तो पता है। नहीं बताता तेरी नींद खुल जाएगी, सॉरी। जब तू सो जा डेढ़ दो घंटा, मैं बच्चों को तीनों को संभाल लूंगी। अब मेरी नींद खोलने के बाद बोल रही है तू सो जा, अब मुझे भूख लग रही है। नींद कभी भी आ जाती गोलू, तो पायल अभी नहीं आ रही नींद यार, तू जाके सो जा ना। दो जो मेरे को कहती है, मेरे को तो सिर्फ सोने के लिए बोलो, मैं 10 मिनट में सो जाऊंगी, जा सो जा। ऐसे थोड़ी होता है, कभी बोलो सो जा, कभी बोलो ये वो, मैं भी तो इंसान हूँ, मेरे इतनी तेज हेडेक हो रहा है। तू क्या दिखा रही है गाइस को? तो भाई लोगों को बताऊंगी ना कि तेरी नींद पूरी होती है, मेरी नहीं होती इस घर में। मैं बोल रहा हूँ तीनों बच्चों के पापा भी सो जाते हैं, सारे सो जाते हैं, सिर्फ मैं रह जाती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ चल पायल सो रही है, शोर ना बजाऊं। जैसे मैं सोई हूँ, मैं तुझे पता है पायल सपना जैसे पूछ, मैं सिर्फ आधा घंटा सोई हूँ, इसने मैं जैसे सो के उठ के आई हूँ, बचपन की कहानी सुना के सा रहे थे, मां भी सुना रहे थे बचपन की। मैं जैसे उठ के आई हूँ, मुझे भूख लग रही थी बहुत तेज, ये आ गया कैमरा उठा के। तनु कितने सोई हुआ हूँ? पहले 10 मिनट लेटे थे, फिर मैंने उठा दिया था कुछ काम से, और फिर उसके बाद जैद उठ गया। सुन लिया, को संभाल लूंगी मैं, तुब्बा को, अयान को, तीनों को संभाल लूंगी, तू जाके सो जा, और इसको बोल सोने दो भैया यार, सोने दो यार, सारे थे मेरे को बचपन की, थोड़ा तो रहम कर लो मेरे पे यार, झूठ इतना बोल रहे, झूठ पता नहीं क्या कर रहे हैं, मैं ऐसे गोबर उठाते थे, मैं बताती हूं पूरी बात गाइस, झूठ बोल रहे हैं गाइस, मेरा सर दर्द हो रहा है, मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी पाल बिल्कुल भी भाई, बहुत हो रहा है। तो बस गाइस अभी बच चुके हैं रात के, दिखा देती हूँ रात के 11:05, तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और हमारा नया गाना आ चुका है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी जाके जिसने गाना नहीं देखा गाना देखो।